आज का जो टॉपिक है वो है चेंज योर एटीट्यूड। जय हिंद दोस्तों, डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एटीट्यूड क्या है। वो जो एग्जांपल है वो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एटीट्यूड हमारा नज़रिया है चीज़ों को देखने का। जैसा हमारा एटीट्यूड होता है हम वैसे ही बन जाते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी REMC का एग्ज़ाम हुआ, NDA का एग्ज़ाम हुआ। कुछ बच्चों का अच्छा गया होगा, कुछ बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया होगा। तो यहाँ पर जो नज़रिए की बात है वो ये है, जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा गया है तो उनको ये देखना है कि अब मैं और इम्प्रूवमेंट क्या करूं अपने ऊपर। अगर उन बच्चों को लगता है कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो उनको डे वन से ही SSB की प्रिपरेशन करनी चाहिए, मतलब इंटरव्यू की प्रिपरेशन उनको करनी चाहिए। और जब वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेवल क्या है कि इम्प्रूवमेंट करना है। तो बच्चा ये सोचेगा कि ठीक है, अब एग्ज़ाम हो गया, मैं रेस्ट करता हूँ, अब सब कुछ हो गया। दूसरा एटीट्यूड ये है कि अब मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, मुझे अपना स्पोकन इंग्लिश अच्छा करना है, मुझे अपना करंट अफेयर्स अपना अच्छा करना है, मुझे जनरल नॉलेज मुझको लेनी है। तो एक एटीट्यूड ये रहेगा। तो कौन सा एटीट्यूड बेटर है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अब बात आती है जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम खराब हो गया है, उन्होंने मेहनत करी या कम मेहनत करी लेकिन एग्ज़ाम खराब हो गया है। तो इस सिचुएशन में उनको सोचना चाहिए कि ठीक है, ये एक अलार्म था मेरे लिए कि हाँ प्रिपरेशन मेरी अच्छी नहीं हो पाई, लेकिन अब मुझे अच्छी प्रिपरेशन करनी है और मैं ऑफिसर बनके दिखाऊंगा। रादर देन कि यार अब तो मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया है, अब मैं कभी इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करूँगा, अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, नहीं। तो आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो नज़रिया है, वही आपको बनाएगा। तो चॉइस इज़ योर्स कि आपको क्या नज़रिया रखना है। मैं चाहूँगा, मैंने दो एग्जांपल्स आप लोगों को दिए हैं, मैं चाहूँगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा नज़रिया सही है आपके अकॉर्डिंग। एट द लास्ट मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और अगर उनको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है तो इसको शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।